मेरा सवाल बस छोटा सा है, इस उम्र में अगर आप कपड़े फिटिंग करा के पहन रहे हो, टी शर्टें फिट करा के पहन रहे हो, बुढ़ापे में क्या हाल होगा? देख सकते हैं आप बॉडी, आज चेस्ट का वर्कआउट किया है, काफी अच्छा लग रहा है। हेलो प्रिय मित्रों, पहुंच गए हैं जिम। और आज लोग देख रहे हो थोड़ा अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज मंडे है और भगवान भोले के भक्त हैं तो पूजा करके आए थे मंदिर में पहले, फिर सोचा जिम करेंगे तो जिम में पहुंच गए हैं। गाड़ी अपनी खड़ी है बराबर। अभी हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है, क्योंकि डाइट में काफ़ी हद तक चेंज किया था। और मैं इस चीज़ पे एक वीडियो बनाऊंगा कि जैसे बीमारी के बाद ना शरीर में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, तो कम टाइम में कैसे उसको रिकवर करना है। जब हमें कोई हेल्थ इशू आ जाता है, फीवर वीवर हो जाता है, तो ऐसा लगता है पड़े रहें, कमज़ोर सा शरीर हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और मतलब एनर्जी रहती नहीं है उस टाइम पे, बड़ा वीक सा महसूस होता है, मन कमज़ोर सा फील करता है। इस चीज़ को दूर करेंगे, घरेलू चीज़ें यूज़ की हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की नहीं। तो फिलहाल मंडे है, आज अपना वर्कआउट चेस्ट का करेंगे। तो जैसा कि हल्का हल्का कर रहे हैं ना रिकवर होने के बाद, हल्की हल्की एक्सरसाइज की थी पिछले वीक, तो पर डे दो दो करके ट्रेन की थी तो पूरा कंप्लीट कर लिया था। एक दो दिन की जैसे मिस हुई थी तो वो भी हमने रिकवर किया उसमें। अभी शेड्यूल वाइज चलाएंगे, और बहुत बेसिक सी विगनर्स लोगों के लिए ना, जो लोग नए हैं जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर बॉडी क्यों बनानी चाहिए, स्टूडेंट को जिम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत से सवाल हैं। और नेचुरल बॉडी कैसे बनाएं, एस्टो वो सॉरी सप्लीमेंट लें जिसको आप पाउडर कहते हैं अपनी फॉर्म में, लें ना लें, किस लिए फ़ायदेमंद है किस लिए नहीं है, ये बहुत सारे सवाल हम धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे जो इतने टाइम में सीखा है। फिलहाल छोटी छोटी वीडियो लूँगा, क्योंकि मैंने देखा है बड़ी वीडियो यार आप लोग पसंद भी नहीं कर रहे हो और मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, 2 से 3 3 घंटा एक वीडियो को बनाने में लग रहा है। और इस चीज़ को मैं तो छोड़ने वाला तो हूँ नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने फिटनेस से बहुत कुछ सीखा है, अपने माइंड को ट्रेन किया है, बॉडी को ट्रेन किया है, और मेरा जो प्रोफेशन है स्टूडेंट के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन छोटे छोटे काम कह लो या फिर उनको बिजनेस कह लो, जिनकी वजह से मेरी लाइफ बदली है। साउंड हो रहा होगा, इलेक्शन का प्रचार चल रहा है इधर यूपी बरेली शहर में, खूब दबा के पार्षद नगर निगम के चुनाव ना हो रहे हैं, तो थोड़ा साउंड को मैनेज करना, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और जैसा कि आज लग रहा है आवाज़ से मेरी थोड़ा एनर्जी है तो जोश भी है, उसी हिसाब का वर्कआउट भी हो जाए उम्मीद करते हैं। करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट, और इसको फ्री करके एक टॉपिक आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप जिम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं छोटी छोटी जिन पर आपको ध्यान रखना है, तो पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं फिर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और उम्मीद है कि आप वीडियो में बने रहना, आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर पुशअप, इसमें वार्म अप हो जाएगा, क्योंकि वर्कआउट से पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, मसल्स हमारी एक्टिव हो जाती है। तो गाइस अपना वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, वर्कआउट के लिए स्टार्ट। पहला सेट बेंच प्रेस लगाएं, फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है, काफी अच्छा लग रहा है आज चेस्ट का वर्कआउट करने में। इंक्लाइन बेंच लगाते हैं अभी, अभी अपना लगाते हैं तीसरा डंबल प्रेस, फिर डंबल फ्लाई, फिर बटरफ्लाई करेंगे, उसके बाद लास्ट लिखूंगा। ये अपना लास्ट सेट है आज चेस्ट के वर्कआउट का, लास्ट मारते हैं, आप देख सकते हैं और बहुत कम टाइम में खुद को रिकवर किया है, ये चीज भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो पहले
देख सकते हैं आप बॉडी, आज चेस्ट का वर्कआउट किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गला सूख जाता है तो बीच बीच में पानी की घूंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल जल्दी से टी शर्ट पहन लेते हैं, फिर जो टॉपिक था उस पर आपके साथ में बात करते हैं और शेयर करते हैं वो सारी जानकारी। आप भी सोच रहे हैं जिम ज्वाइन करने के बारे में और आपका भी मन करता है कि फ़िट रहें, सामने वालों को देख के लगता है कि मैं भी जिम ज्वाइन करूँ, कल से करूँगा, अच्छी डाइट लूँ, थोड़ी बॉडी बना लूँ, तो बन जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो देखते रहना। अभी आपने देखा हमने वर्कआउट किया, अच्छा लगा होगा उम्मीद है, देख के आपका भी मन किया होगा वर्कआउट करने का और आपका करता भी होगा। तो मेरा सवाल बस छोटा सा है, इस उम्र में अगर आप कपड़े फिटिंग करा के पहन रहे हो, टी शर्टें फिट करा के पहन रहे हो, बुढ़ापे में क्या हाल होगा? यूथ हो यंग हो, अभी आपके बॉडी में जान है, पावर है, अभी आप सब कुछ कर सकते हो, पूरा आसमान सारा जहां आपके लिए खुला है कुछ भी करने के लिए, है नहीं है? अभी आप पढ़े हो, बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कल से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा, कभी नहीं आएगा, आज कसम खाओ, आज ही ठानो, आज ही 10 पुशअप लगाओ, कल के इंतज़ार में मत रहो। अगर आप नहीं जा पा रहे हो जिम, आप घर से शुरुआत करो और दोस्त, टाइम लगेगा थोड़ा, 10-5 दिन के बाद छोड़ने का भी मन होगा कि बहुत बन गई बॉडी यार, ये छूट रहा है, पढ़ाई छूट रही है, जॉब पे टाइम से नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, फिटनेस के साथ में भी ये कर सकते हो। और फिटनेस नहीं कर रहे थे तब आप जिम जाने से पहले अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे ना दोस्त। क्या है ना कि हम सोचते हैं सिर्फ कि यार इस टाइम को बचा के हम पढ़ाई कर लेते हैं, बिल्कुल करो पढ़ाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई को महत्व देता हूँ, दूसरी चीज़ फिटनेस, दो ही चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, पहला मेंटल, दूसरी फिजिकल। तो जब तक आप मेंटल स्ट्रांग नहीं रहेंगे, फिजिकल स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे, और फिजिकल स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो मेंटल स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। फ़ोन भी बजने लगता है बीच बीच में, यही दिक्कत होती है, एक फ़ोन से शूट करते टाइम पर। तो दोस्तों सवाल सिर्फ इतना सा है, फिट खुद को रखना है, कैसे रखें? बहुत सारे तरीके हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप रनिंग कर दीजिए, घर पर पुशअप मार लीजिए, घर पर वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए, कम से कम आपका टाइम तो बचेगा। और हेल्थ के लिए मैं क्यों इतना आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्यों इस चीज़ को इतना महत्व दे रहा हूँ? देखिए 15 से 25 साल की जो उम्र होती है आपके पास क्रांति की एज होती है, युवा मतलब क्रांति, मैं तो सीधा कहता हूँ, इस टाइम का अगर आप अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, आने वाले 30-40-50 साल में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। यही टाइम आपके करियर को बनाता है अगर इसका सही इस्तेमाल करते हैं, यही टाइम आपके करियर को गिरा देता है अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको चूज़ करना है कि आप अपने दिन का, अपने समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपके सपने हैं, वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक घंटा कोई भी निकाल सकता है फिटनेस के लिए, आप भी निकालिए, आराम से अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर का मत खाइए, धीरे धीरे वर्कआउट करने लगेंगे, 5 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, खाते पीते रहेंगे, थोड़ा अच्छी डाइट करनी पड़ेगी, कुछ बाहर का नहीं लेना, इसी चीज़ को बस सिक्वेंस से खाना है, आपको दिखने लगेंगे। जब आप फिजिकल बॉडी पे काम करते हो तो मेंटल स्ट्रांग होने लगते हो, ये चीज़ मैंने फील की है इस माहौल में रह के, और ख़ुद के ऊपर जो चीज़ मैंने अप्लाई की है वो आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले मैंने खुद से ये चीज़ें की हैं। स्ट्रेच कम होती है, तनाव मुक्त रहता है आपका शरीर, टेंशनें नहीं रहती है दिमाग में, आप एकदम फ्री फ्रेश महसूस करते हैं वर्कआउट करने के बाद। और अल्टसल्ट खाने को है, हम लोग इतना नहीं स्वच्छ चीज़ें, ना सांस ले पा रहे हैं, ना अच्छी चीज़ें खा पा रहे हैं, तो बीमार हो जाते हैं जल्दी। तो अगर फिटनेस में नहीं जाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, शरीर पे फिजिकल काम नहीं करेंगे, व्यायाम वगैरह नहीं करेंगे, तो स्वस्थ शायद मुश्किल से ही रह पाएंगे। सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाएगा, क्या फ़ायदा आपकी जॉब करने का, आपका कमा के जमा करने का, पेट इतना बड़ा लेके घूम रहे, कोई मतलब नहीं बनता पैसे, पैसा कमाओ अच्छी बात है, खुद की तरफ भी ध्यान दो, खुद को फिट भी रखो। बस इतना सा ही वीडियो था।